हेलो दोस्तों, कैसे हो? तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के साथ होता है, बट मैं इसके चार से पांच अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। पांच हैं और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो, ठीक है? तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वो समय आ चुका है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू अच्छे से रखो, बट अब जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है ना, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम आने वाला आगे। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएम के दम पे भैया सीसेट क्वालिफाई कर लोगे, तो गलत सोच रहे हो। क्योंकि नंबर सिस्टम अगर अच्छे खासे लेवल का आया, तो अगर 20 क्वेश्चन भी आए तो 4 से 5 क्वेश्चन भी करने मुश्किल हो जाएंगे, बता रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप नहीं होंगे आप लोग। तो उन कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उन कॉन्सेप्ट को समझिए, उन कॉन्सेप्ट को पढ़िए, करना शुरू कीजिए। क्योंकि बिना उन कॉन्सेप्ट को किए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अब कारण क्या इस बात का, कई बच्चे बड़ा लाइटली ले रहे हैं अभी तक। मैं हर लेक्चर में सेम बात रिपीट कर रहा हूँ, सेम बात बोल रहा हूँ कि प्लीज 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 मत इसको इतना लाइटली लो, इसको इतना छोटे तौर पे मत समझो, इसको इतना हल्के में मत लो कि आप लोगों की एक साल की मेहनत डिपेंड करती है इस पे। क्योंकि जीएस तो आपको पता पड़नी है, जीएस पेपर वन में सबका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, बट वट अबाउट सीसेट और यू कैन से दैट जीएस पेपर टू, जिसके अंदर आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश आता है। तो प्लीज बी सीरियस। अब अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, तो अभिपीडिया ने, अभिमन्यु आईएएस ने एक नया बैच लॉन्च किया है, जिसकी डिस्क्रिप्शंस ये हैं। देखिए टाइमिंग आपकी देंगे, हर बता रहा हूँ मैं आपको दोबारा से एक बार, है ना, वैसे पिछले में बताया था, हर बार बता रहा हूँ, जिसकी टाइमिंग हमारे पास 3 से लेके 4:30, ठीक है, जिसके अंदर 4 डेज अ वीक बैच रहने वाला है हमारा, मतलब हफ्ते में कम से कम 4 दिन, हमारी 4 दिन क्लासे चल रही है, ठीक है, इन फ्यूचर बढ़ भी सकती हैं, ठीक है। तो टोटल लेक्चर आपको मिलने वाला 180+। अब आप कहोगे सर 180+ तो बहुत टाइम में होंगे, नहीं, आपको इसमें दो पार्ट्स में मिल रहे हैं, 90 लेक्चर्स मिल रहे हैं, डेडिकेटेड 90 लेक्चर जो आपको ऑन क्लास करवाए जाएंगे। ये आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है, मतलब आपको आप घर बैठ के भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी आ सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। अगर आप दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं इसको। देखो इसमें 90 लेक्चर्स कैसे मिल रहे हैं, प्लस 50 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लेक्चर हैं, तो ऑलमोस्ट 75 आवर्स का तो आपका एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। तो सोच सकते हैं हम कितना ज्यादा इसको तवज्जो दे रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। क्योंकि मैक्सिमम जगह 40-45 घंटे में तो पूरा सीसेट करवा देते हैं कि भैया तीनों करवा दो, बट नहीं, यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां बहुत अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है आपको। 25 लॉजिकल के और 15 इंग्लिश के लेक्चर तो आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। ये तो वो 90 लेक्चर है जो आपको लाइव क्लास के रूप में मिल रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन लगाइए चाहे आप ऑनलाइन लगाइए। अब आपके पास प्रीवियस ईयर लेक्चर जो प्रीलोडेड है वो कितने हैं, 15 लेक्चर्स हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने आपके पास, 50+ हैं। लाइव मेंटरशिप सेशन कितने आपके पास, आपके पास 30+ हैं, ठीक है। तो ये कुछ लेक्चर्स हैं जो आपको इसके साथ मिल रहे हैं, 90+ 90+, बिकॉज यहां आप देखेंगे तो ही ज्यादा ही हो गए, 95+ ही हो गए, ठीक है। सो बहुत डेटा है, अगर इतना भी आप कर लेंगे तो सी सेट में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आई एम मैनेजिंग द होल सी सेट, कोई दिक्कत आए तो आप इस नंबर पे कॉल करके कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, 9517716 and 51, प्लीज। तो ज्वाइन नाउ, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी नई वीडियो आती है, कोई भी हम पीडीएफ नई जनरेट करते, कोई भी एमसीक्यू, वो सब के सब डाटा इस ग्रुप में अपडेट किया जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं, आइए और आप क्यों ना लुफ्त उठाइए, क्यों ना एंजॉय करो इस ग्रुप को आप भी, ठीक है। तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, दैट इज वेरी हेल्दी ग्रुप, बहुत अच्छा ग्रुप है और काफी अच्छे क्वेश्चंस और इसमें डेटा आता है, क्लियर। चलिए भाई चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। देखिए कितना टाइप करके लाऊं, कितना बढ़िया क्वेश्चन। देखो √182.25 = 135, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √182.25 + √1.8225 + √0.018225 + √0.001825। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले सोचो कि करना कैसे आपको। देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं कुछ, देखो इसको ऐसे लिखूं 18225, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं अपॉन 100 लिख सकता हूं। ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर देखना है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। ये यहां पे कुछ नहीं है, चलिए प्लस 18225 डिवाइडेड बाय, ये कितना है 10^4, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 नंबर है मेरे पास, ठीक है। थर्ड पे क्या आएगा,
18225 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 प्लस 18225 डिवाइडेड बाय 10 रेस पावर ऑफ 8। बस पॉइंट्स क्या चलता सारा का सारा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट ऑफ 18225 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 18225 अपॉन 10 स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको ऐसे लिखेंगे ठीक है जी थर्ड क्या है 18225 अपॉन 10 क्यूब का स्क्वायर प्लस 18225 अपॉन 10 स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर। समझ आ गई बात, बस इतनी सी बात है। देखो ध्यान से देखिए स्क्वायर कैंसिल 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 और कैंसिल, तो इसका मेरे को अंडर रूट कितना दिया 135, तो 135 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 135 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 135 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 135 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास आंसर। अब देखो ऑप्शंस बड़े मजेदार से हैं। देखो ये कितना आ गया मेरे पास 13.5 प्लस 1.35 प्लस 0.135 प्लस ऑफ 0.0135 ये आया बेसिकली मेरे पास आंसर। देखो 13 और 1 14 से बड़ा तो आपका आंसर आ ही नहीं सकता, तो यही आंसर होगा। ऐड भी करने की जरूरत नहीं, ऐड भी करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को। क्यों मैंने बोला ऐड नहीं करने की जरूरत, देखो 13.5 है उसके बाद एक आगे 14.5 हो गया, 14.5 से बड़ा आंसर है मेरा, बट बाकी सारी डिजिट्स जो है वो जीरो से छोटी हैं, मतलब एक सॉरी जीरो कह रहा है वन से छोटी हैं, तो इसमें इससे ऊपर एड ऑन हो ही नहीं सकता, ये नहीं आ सकता 149 तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ईमानदारी से अगर देखेंगे ना तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है देखने में लग रहा है। डन, चलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका प्रॉपर स्क्वायर रूट का क्वेश्चन। ठीक है करें इस क्वेश्चन को, देखिए क्या दिया है 3 + √6, ये मिसलेनियस टाइप एक तरह से आपके लगा सकते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ठीक है ये मुझे दिया, ठीक है ये मुझे दिया। अब ध्यान से देखो, देखो यहां से छेड़ने से मुझे कुछ मिलेगा, अभी अभी कुछ नहीं मिल रहा। 3 + √6 अपन देखो इसको भी मैं नहीं कुछ कर सकता सॉल्व, तो इसको ऐसे कैसे लिख लो। देखो 2 √12 को मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 2 √12 को सॉल्व करना चाहूं मैं कैसे लिख सकता हूं 2 × 2 = 4 / 12। ठीक है तो ये क्या आ गया 2, बेटा ये 2 बाहर आएगा तो क्या बनेगा (√3)। एक एक स्टेप बताऊंगा अच्छे से ताकि कहीं पे भी कंफ्यूजन ना रहे आप। ठीक है बच्चों माइनस देखो √32 4 × 16 = 32 तो कितना हो गया 4√2 माइनस ऑफ 4√2 √50 क्या होगा मेरे पास 25 × 2 5√2। होपफुली ये सारी है कि सारी आपको कैलकुलेशन समझ आ गई बहुत इजी तरीके से। ठीक है देखो तो ये कितना हुआ 3 + √6 / 5√3 - 4√3 - 4√2 + 5√2। अब देखो न्यूमिनेटर में हर में मेरे पास सॉल्व हो गए, तो ये कितना देखो यहां पे कितना है मेरे पास 3, इसको मैं लिखूंगा √3 × √3 + √3 × √2
मैंने क्या किया, इस तीन को देखो, तीन को मैं कैसे लिख सकता हूं, रूट तीन गुना रूट तीन, यानी ये क्या हुआ रूट तीन का होल स्क्वायर हो गया बेटा, देन होल डिवाइडेड बाय फाइव रूट थ्री माइनस फोर रूट थ्री, कितना हो गया रूट थ्री, प्लस फाइव रूट टू माइनस फोर रूट टू रूट टू। ये मैंने क्यों लिया कि अगर मैं न्यूमिनेटर में से देखो, ये होपफुली समझ आ गया होगा आपको, अगर मैं न्यूमिनेटर में से रूट थ्री कॉमन लेता हूं तो कितना आएगा मेरे पास रूट थ्री प्लस रूट टू होल डिवाइडेड बाय रूट थ्री प्लस रूट टू। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, दीज आर एक्सेप्शनल क्वेश्चन, ढूंढ के लाया हूं खींच के कि हाँ अगर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपलीफिकेशन लिखा ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिंपलीफिकेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स, बेसिकली स्क्वायर रूट्स। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4x4 + 10x3 - 2 20x2 + 90 इज डिवाइडेड बाय x + 2। देखो प्रॉपर पहले करके दिखाऊंगा डिवाइड, कोई दिक्कत ना रहे फिर बताऊंगा शॉर्टकट, ठीक है, फिर मत कहना कि सर ये क्या कर दिया, डिवाइड करना, चलो डिवाइड करते हैं। देखो कितना है 4x4 + 10x3 माइनस ट्वेंटी एक्स के प्लस ऑफ 90, इसको किससे डिवाइड करना है मुझे, देखो इसे मुझे x प्लस टू से डिवाइड करना है, पहले डिवाइड करके देखते हैं। तो 4x क्यूब से करो मल्टीप्लाई, 4x क्यूब से करो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया मेरे पास 4x 4 प्लस 8x क्यूब, माइनस करो ये कितना बचा 2x क्यूब माइनस 20x का, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, गॉट माय पॉइंट, करना नहीं है अभी, लिखना नहीं कुछ नहीं करना, समझ रहे हो, पहले देखो 2x स्क्वायर से करोगे कितना आएगा 2x क्यूब प्लस ऑफ 4x स्क्वायर करो माइनस, ये कितना आएगा माइनस 24x स्क्वायर प्लस ऑफ 90, क्लियर। अब 24 सही है, करो जरा 24 से मल्टीप्लाई, 24x से कर दो कितना आ गया 24x स्क्वायर प्लस ऑफ 48x, कितना बचा मेरे पास, हाँ जी क्या मेरे पास 90 माइनस माइनस 48x प्लस 90 बचा, माइनस 48x प्लस ऑफ 90 बचा, डन। अब अगर इसको मैं 48 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, अरे ये तो ऑलरेडी माइनस में पड़ा तो उसको जरूरत नहीं करने की, ठीक है। तो अगर मेरे पास अब कितना 48x प्लस 90, अगर इसको मैं सिर्फ 2 से 48 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना बचा 48x प्लस 96, तो आंसर इज माइनस 6। अब दूसरी बात सुनो, पेपर में इतना लंबा चौड़ा तो वक्त अपने पास है नहीं भाई, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये नोट कर लेना आराम से, देखो कुछ नहीं करना, अगर कोई नंबर डिवाइडेड बाय है तो x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो पुट करो, x इज इक्वल टू माइनस टू, बात खत्म, x की वैल्यू माइनस टू पुट कर दो, अगर x माइनस टू पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू ऑफ माइनस टू की पावर 4 प्लस 10 इंटू ऑफ माइनस टू का क्यूब माइनस 20 इंटू ऑफ माइनस टू का स्क्वायर प्लस ऑफ 90, तो ये कितना बचा मेरे पास, हाँ प्लस 64 माइनस 80 माइनस 80 प्लस 90, तो ये कितना हो गया 154 माइनस ऑफ 160। बस ऐसा क्वेश्चन आए तो आंख बंद करके आपने क्या करना है, x की जो वैल्यू दी है इज इक्वल टू जीरो पुट करके जो आंसर आए बस इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास अपने आप आंसर आ जाएंगे, क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस 4 रूट 20। देखो मेरे पास सबसे पहले देखो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, समझो इस बात को, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे 19 प्लस 4 रूट 21 19 जमा 4 रूट 21 ये दिए मुझे। इसका मतलब यहां पे जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 19 और 2 ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 रूट ऑफ 21। यानी अगर मैं बात करूं ए इंटू बी कितना है मेरे पास 2 रूट 21। समझिए इस बात को, समझ आई बात? बिल्कुल आनी भी चाहिए। अब देखो यहां पे आपके पास अगर मैं 21 का फैक्टर बनाऊं 7 और 3 है, यानी इसको ऐसे लिखो 2 रूट 7 रूट 3 यानी रूट 7 इंटू ऑफ 2 रूट 3। क्या ये एबी की वैल्यूज हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 19, तो पुट करो भाई रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 7 प्लस 4 ती 12 आ गया 19, तो मेरा आंसर कितना आ गया रूट 7 प्लस 2 रूट 3। क्लियर? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। डन, लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहने चाहिए वीडियो के ऊपर। चलिए भाई, चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या दिया है, इफ ए इज इक्वल टू 0.1039 देन द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 प्लस 3a, और सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव दी है। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। देखो दो तरीके हैं, या तो a की वैल्यू पुट कर लो स्क्वायर कर लो आपका आंसर आ जाएगा, बट कैलकुलेटर तो है नहीं और इतनी भयंकर कैलकुलेशन मैं नहीं चाहूंगा मेरा कोई बच्चा है, प्यारा बच्चा करे। तो क्या करना चाहिए, देखो क्या ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, क्या ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 है। अब आपको चूज करना है कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या। ये तो मुझे पता चल गया दो बनेंगे, एक 2a प्लस 1 का सॉरी माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर। अब आपको चूज करना है इनमें से कौन सा स्क्वायर सही है, कौन सा सही है। डेफिनेटली ये वाला सही होगा क्योंकि a की वैल्यू क्या है आपकी 0 के आसपास है, यानी आप क्या कहोगे a की वैल्यू जो 1 से काफी छोटी 0.1039 है। तो अगर आप 2 टाइम्स ए बी करोगे 0.2 आएगा, और उसको 1 में से माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा मुझे, तो अंडर रूट में भी क्या नेगेटिव वैल्यू थोड़ी ना आएगी। क्लियर? सो 1 माइनस 2 है तो उसको क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस 2a इसका होल स्क्वायर इसका अंडर द रूट प्लस 3 है, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 2a प्लस 3 है, तो कितना हो गया 1 प्लस तो 1.1039 ऑप्शन नंबर सी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से, मैंने पूरी मेहनत की है पूरी कोशिश की है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए। क्लियर? दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। चलिए, और फुल कोर्स के बारे में आपको बता चुका हूं, अब मैं बताऊंगा आपको माइक्रो कोर्सेज के बारे में। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में फुल कोर्स का लिंक भी मिलेगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, फीस स्ट्रक्चर सारा वहीं पे है। ठीक है? और वहां पे 4 से 5 आपके पास डेमो लेक्चर्स भी हैं, ठीक है? और यहाँ पे माइक्रो कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है? व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज? माइक्रो कोर्सेज अभिमन्यु आईएएस का एक नया इनिशिएटिव है, जहां पे स्टूडेंट को सिर्फ उतना ही पे करना है जितना कि उसको रिक्वायरमेंट है। जैसे नंबर सिस्टम आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो सिर्फ नंबर सिस्टम लीजिए, आपको लगता है इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन की जरूरत है कुछ करने की तो कॉम्प्रिहेंशन ले सकते हैं, आपको लगता है रीजनिंग में क्यूब एंड ऐसे कोई भी ऐसा है पार्ट जो आपको नहीं आता स्पेशली सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। चलिए देखिए बेटा, दो तीन चीजें हैं।
यहाँ सारे सब्सक्रिप्शन है, टेस्ट कोर्सेज है, वीडियो कोर्सेज है और ये माइक्रो कोर्सेज है, और यहाँ पे आ जाता है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू लाइक द वीडियोस। ओके चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कॉल में या व्हाट्सएप करेंगे तो टीम अपने आप आपसे जुड़ जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है, देखो क्या होता है। अब बेनिफिट्स क्या है, फ्रीडम ऑफ लर्निंग अ पर्टिकुलर टॉपिक एज पर इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम, जो मैं बता चुका हूं कि पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, ऑप्शन टू कस्टमाइज ही सेट कर सकते हैं, प्रिपेयर पर्टिकुलर सेक्शन एज पर नीड। जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बेटा हम बात करते हैं, पूरा बंडल 3369 के, वी डोंट वांट टू परचेज, डोंट परचेज। देखिए जैसे नंबर सिस्टम आपके पास 21.88% है, 21.88% नंबर सिस्टम है आता है, बल्कि इस बार तो ज्यादा ही आया हुआ था। ठीक है, तो क्या नंबर सिस्टम बाय कर सकते हैं? यस, यहाँ पे 6 मिनट का आपके पास ट्रायल भी है, जिसमें क्या है 324 आपके पास रुपए देने, आपको 10 आपके पास लेक्चर्स हैं, जो 1 घंटे से कम का कोई भी लेक्चर नहीं, ज्यादा ही मिलेंगे आपको। आपके पास बेटा 9 वेब नोट्स है और 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 421 421, इन क्वेश्चंस को आप टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हैं। जैसे आपने 15-20 क्वेश्चन का एक पेयर उठाया और उसको टेस्ट की तरह दे दिया, सेम वैसे ही टेस्ट आएगा जैसे आप सी सेट का पेपर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे सिंप्लीफिकेशन करना हो तो 114 का सिंप्लीफिकेशन है, इसका भी 6 मिनट का ट्रायल है, 4 लेक्चर्स हैं, 1 वेब नोट्स है और 117 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, परसेंटेज है 167 रुपीज का है, आपके पास 4 लेक्चर्स हैं, 4 वेब नोट्स हैं, 277 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऐसे ही सब है। देखो डाटा सफिशियंसी है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हैं आप, कोई भी चैप्टर जो आप चाहें, और प्रीवियस ईयर लेक्चर्स देख रहे हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो भाई। अब मैं 2015-16-17 के करा चुका हूँ, 17 का थर्ड पार्ट आपका आने वाला है, उसके बाद हम बात करेंगे 18 के, धीरे धीरे सारे पेपर हम नॉर्मली डिस्कस कर लेंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, देखो 67 रुपीज का एक लेक्चर है, 161 क्वेश्चन है। बट अब वेब नोट्स, वेब नोट्स क्या होते हैं? वेब नोट्स वो पार्ट होता है जहां पे थ्योरेटिकल या फॉर्मूले आपके सारे लिखे होते हैं, या क्या थ्योरी है पेपर की, सॉरी पर्टिकुलर टॉपिक की, उसके बारे में लिखा हुआ। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं, अनअवेलेबल है तो सिर्फ आप लोग करिए इसको। जैसे रीजनिंग का भी ऐसे ही कर सकते हैं, पूरा सेक्शन है मेरे पास, ठीक है, और इंग्लिश का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, तो प्लीज अवेल दैट, और इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।